दिल्ली में 100 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के दाम। अयोध्या पर फैसले से पहले बड़े मुस्लिम संगठन का अहम बयान, कहा एससी का फैसला मान्य होगा। नौ नवंबर को करतारपुर जाएंगे सिद्धू, इजाजत के लिए विदेश मंत्री को लिखी दूसरी चिट्ठी। दिल्ली के वकीलों के समर्थन में यूपी के वकील 8 नवंबर को करेंगे हड़ताल। सलमान खान ने शुरू की राधे की शूटिंग, फिल्म के सेट से सामने आया वीडियो। सब्जियों के बढ़ते दामों से आम जनता को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राजधानी दिल्ली में प्याज 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में दो दिन पहले प्याज का थोक भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। खुदरा में लोग 100 रुपए प्रति किलो प्याज खरीद रहे हैं। प्याज के बढ़ते दामों के बाद केंद्र सरकार ने प्याज आयात करने का फैसला लिया है। बताने की भारत में प्याज की किल्लत की वजह बेमौसम बरसात है। राजस्थान महाराष्ट्र में हुई बेमौसम बरसात के कारण प्याज की आवक कम हो गई है। भारत प्याज की आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और ईरान से आयात करने पर विचार कर रही है। अयोध्या विवाद पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में कभी भी फैसला आ सकता है। इस फैसले से पहले अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। इस बीच मुस्लिमों के सबसे धार्मिक संगठनों में से एक जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें मान्य होगा। अरशद मदनी ने कहा कि सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो हमें मान्य होगा। मदनी ने इस बीच सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग भय से पीड़ित हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे। सिद्धू सुबह 9:30 बजे कॉरिडोर से डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहेब गुरुद्वारा पहुंचेंगे। बाबा नानक साहेब के दर्शन करने के बाद वो वहां लंगर सेवा करेंगे। पाकिस्तान में सिद्धू इमरान खान के स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे इमरान खान का कार्यक्रम खत्म होगा। उसके बाद शाम को नवजोत सिद्धू कॉरिडोर के रास्ते वापस भारत आएंगे। सिद्धू ने करतारपुर जाने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर को नई चिट्ठी भेजी है। सिद्धू ने कहा कि अभी पाकिस्तान का वीजा नहीं है, कॉरिडोर के रास्ते जाने चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ तो 8 तारीख को अटारी से लाहौर जाएंगे। इसके बाद अगले दिन करतारपुर माथा टेक कर 9 नवंबर को भारत वापस आएंगे। सिद्धू को लगता है कि केंद्र से कोई अड़ंगा ना लगे, इसलिए करतारपुर जाने के लिए अपनी पहली और दूसरी पसंद विदेश मंत्री के सामने रखी है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पुलिस से हुई भिड़ंत की घटना के विरोध में यूपी के वकील भी अब हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि 8 नवंबर को यूपी की सभी अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। साथ ही वकील जगह जगह जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। हड़ताल का ऐलान यूपी बार काउंसिलिंग ने किया है। 8 नवंबर को हड़ताल के दौरान दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुई घटना के साथ प्रयागराज समेत कई जगहों पर हुई वकीलों की हत्या का मुद्दा भी शामिल रहेगा। साथ ही वकील ये संदेश देंगे कि अन्याय के खिलाफ पूरे देश के वकील एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म राधे की शूटिंग शुरू कर दी है। सलमान खान शूटिंग के पहले दिन की एक वीडियो अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। सलमान ने फिल्म के सेट से जो वीडियो शेयर की है, सलमान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, राधे ईद 2020 पहला दिन। इसके अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें दिशा पाटनी के साथ फिल्म के कई और टीम मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान एक बार फिर से अभिनेता, डांसर और फिल्म मेकर प्रभु देवा के साथ काम करने वाले हैं। प्रभु देवा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान और दिशा
पाटनी के अलावा रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे। फिल्म अगले साल यानी 2020 में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी।